देखो गाइस मैंने हर एक प्रकार के मोमोज बनाए हैं छोटे। गाइस देखो गाइस मेरे लिए चीजी लेके आई। थैंक यू बोली। तू मेरे लिए लाई क्या अपने लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू नाजुक। अपने अपने दिमाग से क्या लगा रखा है? बहुत टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है। गाइस आज हमने शॉपिंग कर ली है यहाँ से, बहुत सारी खरीदा वो, और जो भी हमने खरीदा वो सारा इस बैग में पैक है, पूरा फुल भरा हुआ है, क्योंकि आज है नाम जो उनका हैप्पी बर्थडे। तो गाइस हम बैठ गए बस में, ये है हमारी बस, ये है वो बैग। अच्छा हम नाम जो उनका बर्थडे पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ पे? बस के अंदर ही। ये देखो हमारी पार्टी शार्टी चल रही है, फुल ऑन का। तो खोलियो, ये रही हमारी मेन इन्ग्रीडियंट। हैप्पी बर्थडे नामजून, हैप्पी बर्थडे नामजून। गाइस आज हम कॉलेज में आए हुए हैं ना, इसलिए हम केक शेक तो बना नहीं सकते, ना मंगवाने वाले कोई है नहीं हमारे लिए, तो इसलिए आज हम बस में ही नामजून का हैप्पी बर्थडे इस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और हैप्पी बर्थडे, ये भी ब्रेड ही है, केक में ब्रेड ही होती है। चलो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। केक सेलिब्रेशन तक कर लिया, अब हम पियेंगे स्नैक्स वगैरह। एक हमने लिया स्मूथ, एक हमने लिया है समथिंग ग्रेट, और साथ में हम खाएंगे ये चिप्स। पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो भाई, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। इग्नोर माई पिम्पल, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा पिम्पल हो गया मुझे, बहुत सारे पिम्पल हो रहे हैं इन दिनों, गर्मी है ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। खाना खा लिया? कैसे आपने खाना खा लिया? हाँ हमने खाना खा लिया। आपने अपने दिमाग पे क्या लगा रखा है? मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने दिमाग की दवाई लगा दी। अच्छा चल मैं तेरे साथ एक गेम खेलती हूँ, ठीक है? मैं तेरे से कोई भी सवाल पूछूंगी तो जिसका गलत जवाब देना है 3 सेकंड के अंदर अंदर, रुकना नहीं, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है? तेरा नाम क्या है? उल्टा। बोल सकती है कुछ भी पर आंसर सही नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए आंसर, ठीक है? ठीक है, तेरा नाम क्या है? आशु। मेरा नाम क्या है? तमन्ना। आज सुबह क्या खाया था? आज सुबह मटर पनीर। ये क्या ऊपर क्या चल रहा है? गेट। ओह फेवरेट हीरो कौन है? पूरी। फल माल में कौन था? उल्टा शब्द। तो बड़ी सही खेल रही है। यार मेरे को याद ही नहीं आ रहे क्वेश्चंस, पहले मुझे बहुत जल्दी याद आते थे। ओके गाइस सना जीत गई, सना को अच्छे से गेम आती है वाली। दीदी आप कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। हाँ वही तो यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहे क्वेश्चन। गाइस आज है RM यानी नामजून का हैप्पी वाला बर्थडे, और आज हम कॉलेज गए थे इसलिए हमने ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। अभी रात हो रही है, आते हुए हमने बहुत मस्त पार्टी वार्टी करी, जैसे पार्टी करते हैं हमने वैसे पार्टी करी, बस केक नहीं था, केक की जगह पे केक जैसा समथिंग लाइक दैट था। मज़ा आया, सच्ची में मज़ा आया। देखो गाइस इसने बहुत क्यूट सा फ्लावर बनाया, अब तो ये मेरे हाथ पे भी बनाएगी। बस ये गलत हो गया, दूसरा बनाओ अच्छा वाला। ना भाई ऐसे बना, चल कपड़े नहीं पहने पूरे। मम्मी मामी होती है, पापा पापी होते हैं। ले लो, पापे बना दिया तुम्हें पापे इंसान। तो गाइस ये है मेरा खाना आज का, ये है दाल, ये है पराठा, और साथ में मैं लूंगी अचार, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि अचार तो वेस्ट, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था खाना, पर लेकिन जब से मुझे इसके बेनिफिट्स पता चले हैं ना, तब से मैं अचार खाना स्टार्ट कर चुकी हूँ, इससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। 3 hours later गाइस देखो आज मेरे लिए चीजी लेके आई। थैंक यू बोली। तू मेरे लिए लाई क्या अपने लिए?
यार बोल दे, झूठ झूठे बोल दे कि मेरे लिए लाई है। ये कौन सी सॉस? खालो खालो। The next day. Hello everyone, welcome back to the same episode. Guys, आज बहुत ज़्यादा हालत तबीयत खराब हो गई है। उस दिन तो ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया कल। आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। आज का मौसम इतना ज़बरदस्त है क्या बताऊँ। जब मौसम अच्छा होता है तो मैं खराब हो जाती हूँ। अभी चलती हूँ सुबह सुबह मेडिसिन छोटी सी। जा रही सब्जी खरीदने, गोभी कैसे दिए। अच्छा हम लेंगे सब्जियाँ। तू लेगी, मम्मी नहीं है तो। और क्या अंकल, मुझे लेनी पड़ेगी? नहीं बेटा, सीखना चाहिए। हाँ सीख रहे हो। 3, 2, 5 ठीक है बेटा। मैं निकाल दे रहा हूँ बैगन फ्री। बैगन 20 रुपये है, खीरा 20 रुपये, ये दो आइटम 20। फिर महंगी है तो मटर। नहीं मटर चाहिए नहीं, खीरा कैसे है? ये कितना निकालू? दे दो दोनों। पिंक डन हो गया अंकल, हेलो कर दो। मैं ऐसे हो गई। सच में अंकल बहुत स्वीट थे। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं मोमोज, क्योंकि मुझे मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है। दो दिन से कोशिश कर रही थी मोमोज बनाने की पर बन नहीं रहे। लग रहा वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने बढ़िया भिगो के रखी है क्योंकि मेरे को वेज मोमो बड़ी सोयाबीन यानी न्यूट्री भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे वेज मोमो ज़्यादा खास पसंद नहीं है, इसलिए मैं न्यूट्री मोमोज बनाने वाली हूँ। हमारी मिक्सी होगी ख़राब, इसलिए मुझे इनको हाथ से ही चॉप करना पड़ेगा। मुझे इसको चाकू से काटने में बहुत ज़्यादा घंटे लग जाएंगे। पर घंटे क्यों लगेंगे, अभी काट के दिखाती हूँ। इतना ही हो जाए सकते ना वाले। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रामा है। दोपहर के टाइम पे हमारे घर में, दोपहर को नहीं वैसे शाम के टाइम पे हमारे घर में के ड्रामा चलते हैं हमेशा, नहीं कभी कभी। बहुत खूबसूरत है। तो अब मैं आई हूँ बनाने के लिए मोमोज। मोमोज मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हालांकि तबीयत इतनी ज़्यादा कुछ खास ठीक है नहीं, तो भी जीभ कंट्रोल में नहीं रहती। तबीयत से ज़्यादा जीभ का ध्यान रखना पड़ता है मुझे। शाम होते होते मुझे बहुत ज़्यादा मन करने लग जाएगा मोमोज खाने का, इसलिए मैं मोमोज बनाने आई हूँ। जी हाँ BTS आदमी, कल से पूरे इंटरनेट को मानो इस वीडियो ने तोड़ कर रख दिया है हर तरफ। जब से ये वीडियो वायरल हुई है, हमारी करोड़ों इंडियन BTS आदमी का दिल मानो बगीचे में घूमने चला गया है। तो इंडिया में आकर कॉन्सर्ट करें, आप उनके कॉन्सर्ट में जाओ। लेकिन ये किसने सोचा था कि BTS मेंबर एक दिन हमें पंजाबी गाने पर, पंजाबी म्यूजिक पर डांस करते देखेंगे। लेकिन चेक दिस आउट, अम्मा मैंने बनाई है ये चटनी ना, मतलब ये अंदर की फीलिंग है, समझ रहे हो। थारी भाण समजिंदर बन गई शेफ। मस्त कलर है वैसे इसका, मेरा कैमरा इतना खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए मस्त है। पर ये सब्जी कितनी क्यूट लग रही है। आज मैंने ये सब्जियाँ खरीदी और इतनी ज़्यादा क्यूट थी, मतलब ब्यूटीफुल लग रही है ना। बस आज से डिसाइड हो गया आज से हमारे घर में कोई सब्जी नहीं बनेगी। जो आलू आलू बाहर रखे हैं बस वो खाना। अच्छी सब्जियाँ मैंने खुद अपने हाथों से खरीदी है, कलरफुल। सच में बहुत प्यारी सब्जी है, मेरे जैसी सब्जी कोई नहीं खरीद सकता। वाओ सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है। गाइस मैंने अभी तक सिर्फ ये बनाए हैं, मुझे ये शेप सबसे अच्छी लगी, इजी और फास्ट। दो ये बनाए थे और 3 ये बनाए हैं। ये वाली शेप बहुत जल्दी और इजी आसानी से बन गई, तो मैं यही वाली बनाने वाली हूँ। देखो गाइस मैंने हर एक प्रकार के मोमोज बनाए हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। आपको जौन सा भी आपको सूटेबल लगे आप वो ले सकते हो। कम बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मुँह में पानी ले आओ। और ये वाले बन के रेडी हो चुके हैं मस्त एकदम। तुम्हारी बहन समजिंदर, थारी बहन समजिंदर किसी मोमोज वाले से कम है के। गाइस मेरे मोमोज हो गए रेडी, अब मैं खाने वाली हूँ इन्हें।
इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब खाने का मन ही नहीं कर रहा। और पता है मैं क्यों खा रही हूँ? क्योंकि मेरे को ना अभी थोड़ी अच्छी फीलिंग्स नहीं हो रही है मेरे को, समझ रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की कोशिश कर रही है। और मैंने चाहती कि कल तक मैं टाइम टाइम फिश बोल जाऊँ और उस टाइम पर मुझे मोमोज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मोमोज तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है इन दिनों, तो इसलिए मैं फटाफट इनको खाऊँगी फिर बस बल्ले बल्ले। चलो लेट्स टेस्ट इट। बहुत टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है। इसके अंदर की फीलिंग मैंने सोया बड़ी की रखी है, बहुत मज़ा आ गया, सबसे ज़्यादा कोरिएंडर की वजह से। पर पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि मैं मूली के पराठे खा रही हूँ, कोरिएंडर की वजह से लग रहा है कि मैं मूली के पराठे खा रही हूँ, पर बहुत टेस्टी है, सच्ची में मज़ा आया। आई एम द वर्ल्ड बेस्ट कुक यार गाइज। सो गाइज मैं इंजॉय करती हूँ अपने टेस्टी वाले मोमोज विद चटनी। आप भी इंजॉय करें, खुश रहे। मौसम चेंज हो रहा है तो अपना अपना ख्याल रखें, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उसके लिए वेट करना। सच्ची में मैं कुछ अच्छा करने की सोच रही हूँ, शायद मैं कर पाऊँ। अगर मैंने किया तो मैं आपके साथ व्लॉग भी शेयर करूँगी, ठीक है? बाय। दिखाने लग जाएगा। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो कैमरा चेक कर रही थी, बैक कैमरा से वीडियो नहीं बनाई ना कभी। अब मैं जाती हूँ आटा लगाने, आटा लगा लूँ बोली मैं आटा लगाने जा रही हूँ। आटा लगाने जा रही हूँ, लगाने की जरूरत है। तब तक हम आटा लगा लेते हैं, चाटा बाद में लगा देना। आज का थंबनेल इज डेडिकेटेड टू माय खरीदी हुई सब्जी। नो थंबनेल।